Hello everyone, this is Sonali Mathwania on behalf of Rivaaz to the Learning platform. In this video, we will try to create this. It is our 16th part of our pattern programming series. So, अगर आपने हमारे previous pattern programming के video series नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो check कर लीजिए किस type के हम pattern programs हम बना रहे हैं. इस वीडियो में हम इस टाइप का पैटर्न जनरेट करेंगे. सो आइए सीखते हैं किस टाइप से हम इसे जनरेट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, हम लॉजिक समझ लेते हैं इस टाइप का पैटर्न हम कैसे जनरेट करें. तो सबसे पहले अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कंसिडर करें, सो हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस पैटर्न. सो फर्स्ट वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो देयर आर 4 रोज. अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, सो देयर आर 4 कॉलम्स. देयर आर 4 कॉलम्स, राइट. सो मींस इस पैटर्न में हमें कितनी रोज दिख रही है, 4. इस पैटर्न में हमें कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, 4. सो 4 रोज प्रिंट करने हैं एंड 4 कॉलम्स प्रिंट करने हैं. देन अब यहां आ रहा है, मींस किस टाइप से, एक तरह से सीरीज नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस टाइप का पैटर्न हम कैसे जनरेट करेंगे, तो आइए सीखते हैं. सबसे पहले हम हमारा नोटपैड प्लस प्लस एडिटर ओपन कर लेते हैं. प्रीवियस वीडियो का कोड है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ आई एम रिमूविंग दिस कोड फ्रॉम हियर और हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं डेमो 16 के नेम से. ना है तो सबसे पहले हम रोज एंड कॉलम्स प्रिंट करने के लिए फोर लूप्स बना लेते हैं, प्रिंट हो जाना चाहिए. देन यहाँ पर हमें एक और इनर फोर लूप जनरेट करना है जो कि क्या करेगा, प्रिंटिंग का काम करेगा. प्रिंटिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, जब करस्पॉन्डिंग टू वन रो ओनली वन कॉलम इज गेटिंग जनरेटेड. यहाँ पे अगर हम हमारा पैटर्न देखें, सो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग 1 कॉलम आ रहा है, सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग 2 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ रो के करस्पॉन्डिंग 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं. इस टाइप का पैटर्न हमने बनाया है, किस टाइप से क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन देनी पड़ेगी, जे इज अ लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आई. में प्रिंटिंग क्या करवानी, प्रिंटिंग हमें करवानी है 1 करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये नंबर्स की सीरीज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मींस यहाँ पे हमें क्या करवाना है, हमें कुछ ऐसी वैल्यू सेट करनी है. यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं इंट k इज इक्वल टू वन और उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा. प्रिंटिंग क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 1 आ जानी चाहिए. फिर k की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए. k को इंक्रीमेंट कर देंगे, सो k की वैल्यू यहाँ पे चेंजिंग द लाइन भी ln, because we have to change the line. Execution देखे इसका कैसे वर्क कर रहा है ये. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से, कैसे वर्क कर रहा है. जब i की वैल्यू 1 सेट होगी तो यहाँ पे i which is a less than equals to 4 यहाँ पे कंडीशन सेट है. तो यहाँ कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ इनर फोर लूप की बॉडी में जाएगा. देन यहाँ पे j is a 1, j is a less than equals to i, corresponding to first row we have to generate only one column. तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, एंड ऑल्सो वी हैव टू फोकस ऑन अ प्रिंटिंग व्हाट वी हैव टू प्रिंट सीरीज. सो यहाँ पे नंबर्स चेंज होने चाहिए, तो k की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी जब हमारे फर्स्ट रो रहेगी. देन k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, तो अब यहाँ k की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई है, 2 हो गई. देन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे जब हमारा लूप एंड होगा तो यहाँ पे लाइन क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए, इसलिए हमने स्टेटमेंट लिखा है. देन आई की वैल्यू जब सेकेंड होगी, आई की वैल्यू जब 2 होगी, सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग 2, सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग 2 कॉलम्स हमें प्रिंट करने हैं, तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, राइट.
देन जे जे की वैल्यू 1 है, यहाँ हमने कंडीशन सेट करी है 2 तक, तो जे विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2, सो हमारा इनर फॉर लूप है 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। के की वैल्यू क्या प्रिंट होने की होगी, के की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अब 2। लास्ट में जब हमने एग्जीक्यूट किया था फर्स्ट रो के करस्पोंडिंग आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी, तब इंक्रीमेंट हो गई थी तो क्या हो गई थी, के की वैल्यू 2, तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 प्रिंट होके आएगी। जब सेकेंड टाइम ये इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, जब के की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 3। सो इस टाइप से हमारा लूप वर्क कर रहा है। जब I की वैल्यू फिर 3 होगी तो थर्ड रो के करस्पोंडिंग क्या होगा, इनर वाला फोर लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फिर K की वैल्यू इंक्रीमेंट, सो थर्ड रो के करस्पोंडिंग क्या प्रिंट होके आएगा 4, 5 एंड 6। थर्ड रो के करस्पोंडिंग क्या प्रिंट होके आएगा 4, 5 एंड 6, बिकॉज वी ये K की वैल्यू के कारण क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। सो इस टाइप से हमने ये जो हमारा कोड है कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो हम सबसे पहले हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसे सेव, यहाँ पर हमने जो भी चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल एस की हेल्प से हम सेव कर देते हैं। देन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे सीएम। सो इस टाइप से हमने यहाँ पे हमारा पैटर्न बना के रेडी कर लिया, जिस टाइप से हम पैटर्न बनाना चाहते थे ये पैटर्न हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया है। सो और भी हम पैटर्न बनाना सीखेंगे इस टाइप के, हमारी वीडियोस देखते जाइए और पैटर्न बनाना सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।